स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 15। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्ट में हम ऋषियो को देखते हैं। इसने कमिश्नर पर हमला कर दिया था और उसके तीनों बॉडीगार्ड को जान से मार दिया। वो कार में लगे हुए कैमरा को भी तोड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की टीम और ऋषि की टीम पहुँचती है और यहाँ की जांच करने पर पता चलता है कि यहाँ पर कमिश्नर की बॉडी नहीं थी। यानी हो सकता है कि ऋषियों ने अब तक उन्हें नहीं मारा होगा। इस जगह पर ना ही कार एक्सीडेंट हुआ था, न ही गोलियां चली थी, जिससे पता चलता है कि ये काम किसी ताकतवर इंसान का है। ऋषि इन चीजों से पता लगा लेता है कि ये काम ऋषियों का होगा। वहीं दूसरी तरफ हम नामसुन के पूरे परिवार को फ्यूनरल में देखते हैं। रिवा की डेथ हो चुकी थी और इसकी वजह से नामसुन और गुमजो बहुत ही उदास थी। यहाँ पर रिवा के फ्रेंड्स भी आए हुए थे। वो बताता है कि रिवा पढ़ लिखकर अच्छी इंसान बनना चाहती थी, शायद हम लोगों के नसीब में अच्छा बनना नहीं लिखा हुआ है। भी गुमजू कहती है ऐसा नहीं है, सभी को अच्छे से जीने का अधिकार है और कोई भी ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता। गुमजू मन ही मन अपने आप को कोस रही थी क्योंकि वो अपनी बेटी रिवा को नहीं बचा पाई। टोंगू भी उसके पास आता है और कहता है, तुमने सही कहा था, इंसान को अगर बदलने का मौका मिले तो वो बदल सकता है। मैंने उस लड़की को बहुत ही बुरा समझा। तब गुमजू कहती है, अगर मैं उसे सुधरने का मौका ही नहीं देती और वो जेल में होती तो अच्छा ही होता, कम से कम वो जिंदा तो होती। बाद बोंगो उससे पूछने लगता है। वो कहता है, ये सही मौका तो नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? जब हम बुसान में थे तो रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा था। तब गुमजू कहती है, वो एक फ्रॉड है, वो ब्लैक मनी को वाइट करता है, इसलिए मैं उसके पीछे हूँ। ये सुनकर बोंगो खुश हो जाता है और तब गुमजू कहने लगती है, मैं जिस लड़ाई में हूँ उसमें शायद मेरी जान भी जा सकती है, और अगर मैं मर जाऊँ तो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनते ही बोंगो उससे कहता है, तुम ऐसे कैसे मर सकती हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगा। तब गुमजू उसे चिल्लाकर कहती है, मजाक भी नहीं समझते हो, और बोंगो कहता है, इतना घटिया मजाक। आगे हम नामसुन को देखते हैं। वो रिवा के वजह से बहुत ही सैड थी। तभी उसके पास जोंगमिन का कॉल आता है और वो बताता है कि उसका कोर्स पूरा हो गया है, और उसे वो ये भी बताता है कि ऋषियों ने उसे ऑफिस में बुलाकर उसके बारे में पूछा था। फिर नामसुन गुमजू से बात करती है और कहती है, माँ मुझे जाना होगा, ऋषियों को पता चल गया है मैं कौन हूँ। गुमजू भी उससे कहती है, लगता है सही वक्त पर पता चला है, ठीक है तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। ये हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। कभी टीमों ने मिलकर कमिश्नर को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले, इसका मतलब ऋषियों ने उन्हें किडनैप करके रखा है। वैसे भी उन्हें मारने का उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तब ऋषिक जिनसुक से कहता है कि हम ऋषियों का फोन लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते, और जिनसुक बताता है कि उसने जीपीएस लोकेशन बंद कर रखा है, अगर हम उसे कोई लिंक भेजते हैं और उस पर वो क्लिक करता है तभी हम उसके फोन को ट्रैक कर सकते हैं। तभी ऋषिक के पास मिस हान का कॉल आता है, वो उसे VIP लिस्ट 4885 की लिस्ट भेजती है, और फिर जिनसुक इसी लिस्ट से एक क्लाइंट के नंबर को यूज करके ऋषियों को एक लिंक भेजता है। तभी यहाँ पर नामसुन भी आ जाती है और वो रिवा के बारे में बताने लगती है, ऋषियों ने रिवा को मार दिया है और उसके बारे में भी ऋषियों को पता चल चुका है। दूसरी तरफ ऋषियों को देखते हैं, उसने बॉम्ब को मार दिया था। अभी उसके पास नामसुन का कॉल आता है और वो कहती है, मासूम लोगों को मारना बंद कर दो। तब ऋषि उससे पूछने लगता है, तुम मेरे पास मेरी जासूसी करने के लिए आई थी ना, और जो कुछ तुमने दिखाया वो सब कुछ झूठ था। नामसुन कहती, हाँ तुम्हारी जासूसी करने आई थी, अब बंद करो तुम्हारा ये ड्रग्स का खेल और इन सब में मासूमों को नुकसान पहुँचाना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करो। तब ऋषियो कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ नामसुन गुस्से में चिल्लाती है। फिर पता चलता है कि ऋषियो ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया है। ऋषियो के पास किसी का कॉल आने लगता है और जब ऋषियो कॉल उठाता है तो उससे पूछा जाता है, क्यों बॉम्ब को तुमने मारा। फिर ऋषियो उससे पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो। वो अपने आप को नोज बताता है, इसके बाद वो एक कोड वर्ड बोलता है, तसार बोम्बा। ऋषियो यह सुनकर उससे कहता है, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, पावल के हाथों में नहीं मरने वाला। ऋषि की टीम को समझ नहीं आता कि ये कोड वर्ड क्या था। पता करने के बाद पता चलता है कि ये किसी तरह का बम है, लेकिन उनके इरादे से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो कोई टेररिस्ट हमला करने वाले हैं। नामसुन और ऋषिक रिवा के फोन को लेने के लिए जाते हैं। आगे ऋषियों के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो बताता है कि डुगो कंपनी में सर्च वारंट जारी हो चुका है और उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, उसे भी वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। तब नामसुन को रिवा का फोन मिल जाता है और उसमें आखिरी मैसेज पढ़ के वो रोने लगती है। रिवा ने अपने दोस्तों के साथ बात की थी, उसने लिखा था, मेरी नई मॉम बहुत ही अच्छी है और जब मैं नामसुन से मिलूंगी तो उसे हग करके माफी मांगूंगी। सुन रोने लगती है और वो ऋषियों से कहती है, अगर उस पे और भी पाबंदी लगा दिया जाए तो ऋषियों देश को छोड़कर नहीं जा सकता। ऋषि कहता है, हाँ लेकिन वो कहीं ऐसी जगह पर जाकर छिप गया है जिसका पता शायद पावल को भी नहीं पता, वो पावल के खिलाफ हो चुका है, इसका मतलब उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। नामसुन कहती है, उसका सामना मैं ही करूंगी। दूसरी तरफ हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। वो गुमजू को आकर बॉम्ब के बारे में बताता है, ऋषियों ने अपने ही एक बॉस को मार दिया है, उनका कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा है और डुगो भी बर्बाद के कगार में है और पावल डुगो कंपनी के सारे सबूत मिटाने में लगी हुई है, लेकिन हमारे एजेंट ने उससे पहले उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगा लिया है। फिर वो उसे एक फोटो देता है और कहता है, क्या आप योन सुसेन को जानती हो? और गुमजू कहती है, बिल्कुल, गुमजू और यू सुसेन पहले साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन इसके बाद गुमजू अलग हो गई और वो वहीं की वहीं रह गई।
पता चलता है कि ऋषियों के आधे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम यही औरत करती है। आगे वो कहता है, आप जिस ब्रेड सॉन्ग के बारे में बात कर रही थी उसे सुसैन के साथ कई बार देखा गया है। हम ऋषियों को देखते हैं जो अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है डॉक्टर चोई को जाकर लेकर आओ, और ये सारी बातें दूसरी तरफ से हिशी की टीम सुन लेती है। वो डॉक्टर चोई के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। नाम सुन उसे देखकर पहचान लेती है। वो कहती है इसे मैंने ऋषियों के रिसर्च लैब में देखा था, यानी कि यही उसका हुक्म का इक्का है। नामसुन कहती है ऋषियों से पहले हमें उसे पकड़ना होगा। तभी नामसुन के पास उसके मॉम का कॉल आने लगता है और नामसुन बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उसकी मॉम आज रात को वहाँ से वापस मंगोलिया लौटने वाली है। नामसुन भी माफी मांगती है और कहती है ये केस सॉल्व होने के बाद मैं मंगोलिया आकर आप दोनों से मिलूंगी। जिसके बाद नामसुन अंदर आ जाती है और यहाँ पर जिनसुक डॉक्टर चोई के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि डॉक्टर चोई दुगो में काम करने से पहले जेल में था। वह इससे पहले एनिमल्स की दवाइयों को मिलाकर ड्रग्स बनाकर सेल करता था, फिर इसकी बेल हो गई और तब से वो दुगो में ही काम कर रहा है। ऋषि कहता है इसका मतलब उस एंटीडोट को बनाने का काम यही करता है। हम ऋषियों को देखते हैं, वो नोज को कॉल करके कहता है तुम्हें मेरे ऊपर जो भी पाबंदी लगी है वो सब हटाना होगा, नहीं तो उस ड्रग्स का एंटीडोट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम वो चाहते हो तो मुझे प्रोटेक्ट करो, सके तो रशियन गवर्नमेंट की भी मदद लेना, और पावल के लिए ये करना तो आसान सी बात है। फिर नोज भी उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले लेता है। वो उससे डॉक्टर चोई के बारे में पूछते हैं और ऋषियों बताता है कि वो इस वक्त डोंगोंग स्टेशनरी शॉप में मिलेगा। फिर ऋषियों डॉक्टर चोई को कॉल करता है और कहता है तुम्हें कुछ लोग लेने आएंगे, उनके साथ चले जाना, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊँ तुम किसी को कुछ भी नहीं कहोगे, मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। इसके लिए डॉक्टर चोई मान जाता है। इसके बाद ऋषियों का एक आदमी यहाँ पर आता है, वो नामसुन के परिवार की जानकारी लेकर आया था, और ऋषियों को यहाँ पर नामसुन के मंगोलिया वाले मदर के बारे में भी पता चलता है। वही दूसरी तरफ ऋषियों की सारी बातें उन लोगों ने भी सुन ली थी सिवाय नामसुन के परिवार वाली बात को छोड़कर, क्योंकि ऋषियों ने ये सारी बात फोन पे नहीं की थी। देखते पावल के लोग भी उस डॉक्टर को पकड़ने के लिए निकलते हैं और नामसुन भी हिशिक के साथ निकलती है, लेकिन नामसुन से वेट नहीं होता और वो दौड़कर ही वहाँ पर जाने लगती है। वो अपने पावर से उस शॉप को देख लेती है और डॉक्टर को भी देख लेती है, और इससे पहले कि पावल के लोग वहाँ पहुँचते नामसुन डॉक्टर को गायब कर देती है। आगे हम जेहुन को देखते हैं, वो अपनी एक एड की शूटिंग कर रहा था। ब्रेक के दौरान वो गुमजू टीवी देखता है, तभी डायरेक्टर उसे दूसरी साइड बुलाते हैं और पता चलता है वो जो क्रिप्टो करेंसी अकाउंट यूज करता है वो कंपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करती है। और ये भी पता चलता है कि वो अमीर होने से पहले एक लड़की के साथ था और अमीर होने के बाद उसने उसे धोखा दे दिया। उसके ऊपर ऐसे रूमर्स होने के कारण उसे सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए जाते हैं। हम ऋषियों को देखते हैं, उसके पास नोज का कॉल आता है। पता चलता है कि उसके लोग उस स्टेशनरी दुकान पर गए थे लेकिन वहाँ पर डॉक्टर चोई नहीं मिले, यानी कि ऋषियों ने फिर से उन्हें धोखा दिया है। वो कहता है अब तुम्हारे साथ हमारा कोई लेन देन नहीं, और ये सुनकर ऋषियों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नामसुन डॉक्टर चेई को पुलिस स्टेशन ले आई थी, वो उसे कट्टे में भरकर लाई थी जिसके वजह से उसे उल्टी होने लगती है, और ये डॉक्टर भी किसी पागल से कम नहीं था। इसके बाद डोंगसो के यहाँ की सफाई करता है। जब डॉक्टर चोई से एंटीडोट के बारे में पूछा जाता है तो डॉक्टर चोई हंसते हुए एक ही बात कहता है, तुम ऋषियों को कभी नहीं पकड़ सकते। हेशिक उसे कहता है उसे नहीं पकड़ सकते इसलिए तो तुम्हें पकड़ा है। जिसके बाद नामसुन उसका फोन निकाल कर ऋषियों को मैसेज करती है, वो उसे डुगो में बुलाती है। इसके बाद वो ऋषियों को पकड़ने के लिए डुगो के लिए निकलती है। तब हेशिक उसे रास्ते में रोकता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम ऋषियों को संभाल लोगी। नामसुन कहती है हाँ। इसके बाद हेशिक उससे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगता है और नामसुन बताती है कि आज देर रात को उनकी फ्लाइट है, अभी शॉपिंग कर रही होगी जिसके बाद वो निकल जाएगी, और ये केस सॉल्व होने के बाद वो उसे भी अपने साथ मंगोलिया लेकर जाएगी। ऋषिक कहता है मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि तुम ऋषियों का सामना करने जा रही हो, पर तुम्हें अभी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। नामसुन कहती है मुझे ये ताकत ऐसे ही नहीं मिली, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, अब मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, उसे मुझे पकड़ना ही होगा। ऋषिक उसे डांटते हुए कहता है तुम्हारे पास ताकत है तो क्या तुम अपनी परवाह नहीं करोगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुमने सोचा है तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा। जिसके बाद वो उसे प्रॉमिस मांगता है और नामसुन प्रॉमिस करती है कि वो अपना ध्यान रखेगी। आगे हेशिक उससे कहता है वैसे तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, अब तक उन्होंने सब कुछ छिपा लिया होगा क्योंकि हमें सर्च वारंट बहुत ही लेट मिला था, पर फिर भी तुम्हें कुछ मिले तो ले आना। जिसके बाद नामसुन डुगो कंपनी पहुँचती है जहाँ पर उसे मिस बेग मिलती है। वो उससे इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर अचानक कंपनी में क्या हुआ और वो काम पे क्यों नहीं आ रही, बेचारी को कुछ भी नहीं पता था। तब नामसुन उसे सब कुछ बताती है और वो उससे कहती है जितना जल्दी हो सके आप भी यहाँ से काम छोड़ दो, आप इस कंपनी में काम करती थी तो आपसे भी पूछताछ होगी, लेकिन अगर आप बेकसूर होंगी तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नामसुन ऋषियों के ऑफिस में आ जाती है। दूसरी तरफ ऋषियों को देखते हैं, उसे अपने मैनेजर से पता चलता है कि उसे जो लिंक भेजा गया था वो एक ट्रैप था जिससे उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली और इसी वजह से उन्हें डॉक्टर चोई के बारे में भी पता चल गया था। ऋषियों समझ जाता है
कि नाम सुन ने डॉक्टर चोई को गायब किया होगा। उसे उस पर और भी गुस्सा आता है। आगे हम बोंगो को देखते हैं। वो नाम सुन के मंगोलिया वाले मदर को एयरपोर्ट के पास छोड़ देते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने रास्ते निकलते हैं और बोंगो के पास ग्युमडोंग का मैसेज आता है। उसने लिखा था, एक्स जीजा जी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, मैं मरने वाला हूँ। बोंगो भी नामिन को लेकर वहाँ पहुँचता है और पता चलता है गिल जुंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। इसी की वजह से दोनों बाप बेटे बहुत ही उदास थे। बोंगो ग्युमडोंग से कहता है, अब तुम 40 साल के हो गए हो, अब तो कम से कम बड़े बन जाओ। मेरे ससुर जी, आप भी उनका पीछा छोड़ दो और मेरे साथ रहो। वो कहने लगते हैं, मेरी बीवी के होते हुए मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा। तब बोंगो सभी को समझाने लगता है और कहता है, मैं भी तो अकेला रह रहा हूँ, हम सभी साथ में मिलकर रह सकते हैं। तभी नामिन कहता है, नहीं, पर मुझे ये मंजूर नहीं है, अगर मैं इनके साथ रहा तो मैं भी जल्दी पागल हो जाऊंगा। आगे हम ऋषियों के आदमी को नामसुन के मदर के पास देखते हैं। वो उन्हें कुछ देता है। उसके बाद हम नामसुन को देखते हैं। उसके पास ऋषियों का कॉल आता है और वो कहता है, लगता है अब हम दोनों को मिलना ही होगा। बाद वो नामसुन को धमकी देता है, कहता है, एक बार तुमने अपने मंगोलिया वाले पेरेंट्स की जिक्र की थी, तभी मुझे पता चल गया था तुम्हें उनसे भी बहुत ही प्यार है। नामसुन कहती है, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। और ऋषियों कहता है, अगर अपनी मॉम को बचाना चाहती हो तो मैं जहाँ पर कहता हूँ वहाँ पर आ जाओ, किन बिल्कुल अकेले। और ये सब हेशिक भी सुन लेता है। वो नामसुन को कॉल करता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ। नामसुन कहती है, मुझे अकेले ही जाना होगा। और हेशिक कहने लगता है, वहाँ पर खतरा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। नामसुन उसे कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अगर वहाँ अकेली नहीं गई तो मेरी माँ को खतरा हो सकता है, तो मुझे माफ करना, मुझे वहाँ अकेला ही जाना होगा। जिसके बाद वो कॉल रख देती है और ईशिक का मन नहीं मानता, इसलिए वो जिनसुक को कहता है कि वो नामसुन की लोकेशन उसे भेजता रहे, वो उसके पीछे जा रहा है। फिर ईशिक को अकेले जाने देना इनका भी मन नहीं मानता, इसलिए योंगताक और डोंगसुक दोनों ईशिक के पीछे निकल जाते हैं। वही हम गुमजो को देखते हैं, जो सुसेन के पास पहुंचती है और वहां पर कुछ आदमी उस पर हमला करते हैं, तो गुमजो उन्हें मारकर ढेर कर देती है। जिसके बाद वो सुसेन से ब्रेड सॉन्ग के बारे में पूछती है। सीन में हम गुमजो को ब्रेड सॉन्ग के साथ देखते हैं। ब्रेड सॉन्ग उससे पूछता है, आखिर तुम हमेशा मेरी पीछा क्यों करती रहती हो। और गुमजू कहती है, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, तुम सुसेन के साथ क्यों मिलते हो, और तुम जो ये पैसा डबल करने का काम करते हो ये सारा ब्लैक मनी है, उन औरतों को सारा रिफंड तुम्हें वापस देना होगा। वही हम नामसुन को देखते हैं। वो एक बन फैक्ट्री में पहुंचती है जहाँ पर ऋषियों से सामने मिल जाता है। नामसुन उसे पूछने लगती है, तुम क्या चाहते हो। ऋषियों बताता है कि तुम पर मैंने भरोसा किया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैंने जो ड्रग्स बनाया है वो तुम लोगी, और फिर मैं देखना चाहता हूँ वो ड्रग्स जीतता है या तुम जीतती हो। नामसुन अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है और ऋषियों बताता है कि वो फ्री का माल बिल्कुल नहीं छोड़ती। तुम्हारी मम इस वक्त एक बॉम्ब लेकर घूम रही है और उसका सेंसर इस पानी की बोतल के नीचे है। जब तुम ये ड्रग्स लोगी तो तुम्हें बहुत ही प्यास लगेगी, तुम यहाँ पर पानी पियोगी और वहाँ पर तुम्हारी माँ और आसपास के लोग सभी मारे जाएंगे। नामसुन उसे गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना हमारे बीच मासूम लोगों को मत लाना। फिर ऋषियों भी उससे कहता है, ये गेम मेरा है तो मैं ही तय करूंगा कि इसके रूल क्या होंगे। तुम इस ड्रग्स को लोगी और एक घंटे तक अगर पानी नहीं पियोगी तो तुम्हारी माँ भी बच जाएगी। फिर नामसुन उसे कहती है, अगर मैं ये ड्रग्स लेती हूँ और एक घंटे तक पानी नहीं पीती हूँ तो तुम इसको अपनी हार मानोगे और खुद अपने आप को सरेंडर कर दोगे। ऋषियों इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। के बाद नामसुन ड्रग्स लेती है और फिर उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है, उसे प्यास लगने लगती है। ऋषियों उससे कहता है, अब एक घंटे में तुम्हें इतनी प्यास लगेगी कि तुम्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जिसके बाद ऋषियों यहाँ से निकल जाता है। वह यहाँ के कैमराज फुटेज गुमजू को भी भेजता है और गुमजू ये देखकर नामसुन के लिए बहुत ही डर जाती है। वो जल्दी उसे ढूंढने के लिए निकलती है और वो हीशिक को भी कॉल करके बताती है कि नामसुन को कुछ हुआ है। जिसके बाद हीशिक भी अपनी गाड़ी तेजी से चलाने लगता है। वही हम नामसुन और गुमजू दोनों की हालत खराब दिखते हैं। नामसुन के वजह से गुमजू को भी फर्क पड़ रहा था। तभी उसके पास ऋषियों का कॉल आता है और वो कहता है, तुम्हारी बेटी प्यास से मरने वाली है। दूसरी तरफ नामसुन को देखते हैं जिसे बहुत ही पेन हो रहा था और वो अपने आप को किसी तरह पानी पीने से रोक रही थी। गुमजू को पार्क में पानी पीते हुए देखते हैं। वो सोच रही थी शायद वो पानी पिएगी तो नामसुन को भी कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। नामसुन दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। आगे हम गिलजुंग को देखते हैं। वो मिस्टर शो के साथ बुद्धा के पास आई थी। वहाँ से दर्शन करके जैसे ही बाहर आते हैं तो गिलजुंग के सीने में भी दर्द होने लगता है और फिर वो गुमजू को कॉल करके इसके बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि नामसुन की जान खतरे में है। उस ऋषियों ने उसे वो ड्रग्स दिया है। जिंग उससे कहती है, अभी हम तीनों बहुत ही दूर दूर है इसलिए शायद ये पावर काम नहीं कर रही, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और मिस्टर शो से कहती है, मैं आज अपनी पूरी पावर यूज करने वाली हूँ जिससे मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। मिस्टर शो भी उसके पीछे आ रहे थे तो गिलजुंग उन्हें अपने पीछे आने से मना करती है। फिर हम गिलजुंग को बुद्धा से प्रार्थना करते हुए देखते हैं। इसके बाद गिलजुंग अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करके उस मूर्ति को उठा लेती है
और इधर पूरी पावर यूज करने से नामसुन और गुमजू दोनों को एनर्जी मिलती है, जिससे वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और इधर गिलजुंग फिर से उस मूर्ति को जगह पर रख देती है। अब नामसुन फिर से अपने पावर में आ चुकी थी। इसके बाद वो खड़ी होकर फैक्ट्री के दरवाजे को तोड़ देती है। ऋषियों ने उस दरवाजे पर भी बम लगाया था, जिससे सेंसर बजने लगता है। और नामसुन उस दरवाजे को उठाकर आसमान में फेंकती है, जिससे वो वही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद नामसुन जोर से चिल्लाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।